आज स्टार्ट कर रहे हैं मल्टीपल एंगल। ये ट्रिगोनोमेट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। वैसे आपको बताए थे कि कंपाउंड एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन एंगल, मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल का काफ़ी यूज होता है, नौ की एलेवेंथ में, बल्कि इससे ज़्यादा यूज इसका 12 के कैलकुलस में होता है। इसीलिए इन सभी जो चैप्टर हैं इसके फॉर्मूला को आप लोग अच्छी तरीका से याद कर लेंगे। यदि ए कोई कोण हो तो 2a, 3a, 4a, na को मल्टीपल एंगल कहा जाता है। मल्टीपल एंगल कहा जाता है, मल्टीपल एंगल कहा जाता है। इसका जो फॉर्मूला आप देखिएगा, इसका फॉर्मूला अगर देखा जाए तो जैसे कि लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग कंपाउंड एंगल में एक फॉर्मूला पढ़े हैं साइन ए प्लस बी करके, और वो फॉर्मूला होता था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर इसमें बी की जगह पर ए पुट कर दिया जाए, बी के जगह पर ए पुट कर दिया जाए तो साइन ए प्लस ए इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए हो जाएगा, क्योंकि बी के जगह पर हमें ए डालना है तो यहाँ भी डाले, बी के जगह पर ए डालना था तो यहाँ भी डाले। तो अगर गौर से देखा जाए, देखिए साइन ए कॉस ए मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ देखिए साइन ए कॉस ए मल्टीप्लिकेशन में एक ही चीज़ हो गया। तो आप सेम टर्म को प्लस कर रहे हैं तो टू ना हो जाएगा, और इधर देखिए ए प्लस ए क्या है, टू ए है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आपको निकल के आ रहा है वो साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए कॉस ए। तो इसी फॉर्मूला को याद रखना है कि साइन टू ए का ये फॉर्मूला होता है, साइन टू ए का फॉर्मूला क्या बन गया, टू साइन ए इंटू कॉस ए। सेम ऐसा ही होता है कॉस का भी फॉर्मूला, लिखेंगे कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस में बताए थे कि प्लस में माइनस आता है, इसमें भी आपको पुट करना है बी के जगह पर ए, तो ये आपको हो जाएगा कॉस ए प्लस ए इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस ए, क्योंकि बी के जगह पर ए डालना है, माइनस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन ए, क्योंकि यहाँ भी बी के जगह पर हमें ए डालना है। तो यहाँ देखिए इंटू है और कॉस ए को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ देखिए साइन साइन को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो अगर ए प्लस ए को आप ऐड करेंगे तो कॉस टू ए हो जाएगा। तो कॉस टू ए का ये फॉर्मूला आपको बन गया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और इस फॉर्मूला को और रिजॉल्व करके इसे दो और फॉर्म में ले जाया जाता है। कैसे, मान लीजिए आप इस कॉस को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कॉस को कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बगल में ये साइन स्क्वायर थीटा आपको है ही, तो ये देखिए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक जाति का ना हो गया। तो ये आपको कॉस टू ए का जो है वो दूसरा फॉर्मूला बन गया। और इसी तरीका से अगर इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लिया जाए, यहाँ से ही हम इस टर्म को उठा रहे हैं, तो ये आपको हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को तोड़ लिए हैं, साइन स्क्वायर थीटा को, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इस माइनस से ब्रैकेट ओपन किया जाए तो कॉस स्क्वायर ए माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर ए, माइनस से प्लस हो जाएगा,
तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये cos 2a का जो है ये आपको तीसरा फॉर्मूला मिल गया, ये प्योर cos के फॉर्म में आपको मिल गया। यानी cos 2a का तीन फार्मूला ट्रेडिशन में होता है। पहला फार्मूला cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, दूसरा फार्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, तीसरा फार्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। फॉर्मूला तीसरा देखिए, लिखेंगे वी नो दैट टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, पुट करना है बी इज इक्वल टू ए, बी की जगह पर हमें ए डालना, तो हो जाएगा टेन ए प्लस ए इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन ए, क्योंकि बी की जगह पर ए डालना है, और नीचे हो जाएगा वन माइनस टेन ए इंटू टेन ए, यहाँ भी बी की जगह पर ए डालना, तो ये ए प्लस ए तो टू ए हो जाएगा, तो टेन टू ए हो गया, और इधर हो जाएगा टू टेन ए, और नीचे हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर ए। आप ऊपर में टेन ए टेन ए को प्लस कर रहे हैं तो इसलिए टू टेन ए हो गया, नीचे मल्टीप्लाई कर रहे थे टेन स्क्वायर ए हो गया। तो टेन टू ए का ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। सेम इसी तरह से कॉट का फॉर्मूला भी होता है, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए कॉट बी माइनस वन बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। अगर इसमें भी b के जगह पर a पुट करते हैं तो cot a प्लस a इज इक्वल टू cot a इंटू cot a माइनस वन बाई cot a प्लस cot a। b के जगह पर a यहाँ भी डाले, b के जगह पर a यहाँ भी डाले, तो ऊपर देखिए cot a कितना होगा cot स्क्वायर a माइनस वन, और नीचे प्लस कर रहे हैं तो ये 2 cot a हो जाएगा। तो ये आपको cot 2a का फॉर्मूला आपको बन गया, cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a। पांचवा फॉर्मूला देखिए, इस फॉर्मूला में क्या होता है कि sin cos को हम 10 में कन्वर्ट करते हैं। sin cos को कैसे 10 में कन्वर्ट करते हैं जरा उसको देख लीजिए। जैसे कि हम लोग अभी पढ़े हैं साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a कॉस a होता है, अभी जस्ट पढ़े हैं। नीचे में नहीं कुछ तो आप कह सकते हैं ना 1 है, ऊपर में 2 साइन a कॉस a, और नीचे में कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। न्यूमरेटर में क्या करते हैं, अंश में और हर में कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करते हैं, 2 साइन ए कॉस ए में कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करते हैं, ये अंश हुआ, और नीचे हर आ जाइए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए में कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करना है। यानी अंश में भी कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड किए और हर में भी कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड किए, ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन ए बाई कॉस ए, और नीचे में इससे दोनों में डिवाइड करना है कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। तो ये तो दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आपको बन गया 2 टेन ए, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए होता है। तो ये साइन 2a का फॉर्मूला आपको हुआ 10 के टर्म में, साइन 2a का फॉर्मूला ये 10 के टर्म में हुआ। सिंपल हो गया आपको 2 साइन ए कॉस ए जो कि ऊपर लिखे हैं, और ये हो गया 2 टेन ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन टू ए का फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा, टेन टू ए का फॉर्मूला भी ऐसा ही होता है,
टू टेन ए, लेकिन नीचे में होता है वन माइनस टेन स्क्वायर ए। टेन टू ए के अपने फॉर्मूला में नीचे माइनस होता है जबकि साइन में प्लस होता है। अब दूसरा फॉर्मूला देखिए कॉस का, तो कॉस टू ए का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, फर्स्ट फॉर्मूला यही ना पढ़े थे। नीचे में नहीं कुछ तो वन समझिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे में जो वन है इसके जगह पर लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू वन होता है। सेम यही टेक्निक आपको यहाँ अप्लाई करना है, यानी अंश में न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर ए से आपको डिवाइड करना है, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड किए, और जो डिनोमिनेटर है जो हर है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसमें भी क्या करते हैं कॉस स्क्वायर ए से हम डिवाइड करते हैं। तो इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होकर यहाँ वन बचेगा, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन बाय कॉस टेन हो जाएगा, एक स्टेप यहाँ छोड़ रहे हैं, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होकर वन, और इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन बाय कॉस टेन हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला आपको मिला है ये कॉस टू ए का फॉर्मूला मिला है टेन के टर्म में, वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए, वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाय वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ये कॉस टू ए का फॉर्मूला होता है। क्या दिक्कत है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डॉक्टर के सी सिन्हा का जो बुक है उसका एक्सरसाइज 6.3, क्योंकि ये 6.3 मल्टीपल एंगल का ही आपको चैप्टर है, बुक है ना सामने में, 6.3 का देखिए एक नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एक अगर देखें इसमें टेन थीटा का मान आपको ए बाय बी दिया हुआ, ये गिवन टर्म है, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाय बी दे रखा है, और इसके आधार पर आपको साइन टू थीटा कॉस टू थीटा और टेन टू थीटा का वैल्यू चाहिए। लिखेंगे हैंस साइन टू थीटा का आपको वैल्यू चाहिए, तो हम लोगों ने अभी जस्ट साइन टू थीटा का फॉर्मूला टेन में पढ़ा है, और वो फॉर्मूला है टू टेन थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साइन में नीचे प्लस होता है, इसमें आपको टेन थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर देना है, टू इंटू ए अपॉन बी, और नीचे हो जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। तो ऊपर आपको टू ए अपॉन बी है और नीचे अगर एलसीएम लेते हैं तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगा, तो एक बी जो है वो नीचे वाले से कट जाएगा, तो ये जो बी बच गया ना ये सबसे ऊपर चल जाएगा, यानी टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको पहले ए स्क्वायर लिखें फिर बी स्क्वायर लिखें, तो यही आपको फाइनल आंसर हो जाएगा साइन टू थीटा का। ऐसे ही कॉस टू थीटा का अगर निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अभी जस्ट हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी अगर वैल्यू यहाँ से डालें तो वन माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और नीचे अगर आते हैं वन प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ऊपर में अगर एलसीएम लें तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये जब इधर आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर अगर कैंसिल हो जाए तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर बच गया और नीचे जो है वो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच गया, तो ये आपको कॉस टू थीटा का वैल्यू निकल गया, और सेम इसी तरह से टेन टू थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं।